Good morning, students. This lecture is the Mauryan Empire. आज का lecture जो है वो Mauryan Empire के बारे में है. आपको पता होना चाहिए कि जो ये Mauryan Empire है, ये Mauryan ने राज किया हिंदुस्तान में. इसका सबसे बेहतरीन राजा जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था. एंड ही टुक ओवर फ्रॉम बिंदुसार. इन 321 BC में एक नया राज्य, नया राजा हिंदुस्तान में अपना राज स्थापित कर पाया. Within 35 years, 35 साल में इस राज्य को Mauryan Empire बोला जाता था. और जो ये राजा था जिसने इस डायनास्टी की, इस वंश की नींव रखी हिंदुस्तान में, उसको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य. तो Mauryan खानदान ने हिंदुस्तान पर राज करना स्टार्ट किया 321 BC के बाद. Mauryan खानदान जब हिंदुस्तान पर राज करने लगा, एट दैट टाइम हिंदुस्तान बटा हुआ था अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में. एंड आफ्टर चंद्रगुप्त टुक ओवर दिस आर्मी, this army conquered most of northern and central India. इसका मतलब यह हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान पे राज्य करना स्टार्ट किया, उस वक्त हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था. लेकिन उसकी आर्मी ने इन छोटे छोटे राज्यों को कॉन्कर करके नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको इकट्ठा करके, उनको कॉन्कर करके एक बड़ा एम्पायर बनाया. चंद्रगुप्त मौर्य काफी शक्तिशाली राजा था. ही वाज वेरी हैविंग एब्सोल्यूट पावर ओवर एवरी एस्पेक्ट. ही कमांडेड अ ह्यूज आर्मी. उसके पास काफी बड़ी फोर्स थी और वो अलग अलग राज्यों पे हमला करके, और जहां से कोई आवाज उठती थी उसके खिलाफ उसको भी वो दबोच लेता था. उसकी आर्मी में 9000 वॉर एलिफेंट्स थे, हाथी थे. और इस इन 9000 हाथियों से वो दुश्मन को घबराता था, घबराया करता था. जब उसका शासन चल रहा था, ही बिकेम फियरफुल फॉर हिज लाइफ. वो डर नहीं, उसमें कोई डर ही नहीं था. एंड अपने राज्य को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए उसे दो चीजें की. अपने महल के अंदर, आपको पता ही है दुश्मनों के जासूस हो सकते हैं, वो अपने नौकरों को बोलता था कि जो खाना आप मुझे खिलाते हो पहले आप मेरे सामने खाओ, फिर मैं खाऊंगा, ताकि उसको कोई जहर ना दे. और हर दिन वो सोने का कमरा जहां पर वो सोता था वो कमरा बदलता था. और दरबार उसकी रक्षा करते रहते थे. चंद्रगुप्त लेगेसी, लेगेसी मींस उसका जो दौर था, जो से पैसा लगाया, ही यूज द वेल्थ ही रिसीव्ड ड्यूरिंग हिज रूल टू इंप्रूव द एम्पायर. जो भी उसने पैसा
मिला दूसरे राज्यों से कांकर करके उसने किस अपने राज्य पर खर्चा, उसने नए इरिगेशन सिस्टम सिंचाई के साथ निकाले ताकि किसानों को ठीक ठाक पानी मिले फसलों के लिए, उसने अच्छे अच्छे सड़कें रोड्स बनाई और व्यापार को ट्रेड को काफी अच्छी तरह से बढ़ावा दी। विकसित चंद्रगुप्त ने किसी कंट्री को लिया, आपने चंद्रगुप्त मौर्य ही पास्ट हिज लीडरशिप टू हिज सन दैट इज अशोका द ग्रेट। और उसका जो ग्रैंड सन था अशोका, उसका ग्रैंड सन था बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य का जो अपना बेटा था, वो पहले ही उसकी मौत हो गई थी, उसका ग्रैंड सन था अशोका। और वो एक सन्यासी बन के रहने लगा, खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, काफी दिनों तक फास्ट रखना। अशोका जो था उसने अपना एम्पायर काफी दूर दूर तक बढ़ाया, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था उसको भी उससे भी ज्यादा अशोका ने बढ़ाया। और इसमें सबसे बड़ी जंग जो अशोक ने लड़ी, 35 साल उसे राज किया, उसने नए नए राज्य को कॉन्कर किया और 261 BC he led his army south, south को उसने अपनी फौज भेजी into the state of Kalinga। इस युद्ध में हजारों लोग मरे और इससे अशोका का दिल, उसका जो दिमाग था वो चेंज हो गया। जंग के बाद जो भी उसने लोगों को, दुश्मन के लोगों को पकड़े थे, लोग पकड़े थे जिसको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोलते उनको छोड़ दिया एंड खुद को बुद्धिस्ट मजहब अपनाया। अशोका प्रैक्टिस एंड प्रीच्ड बुद्धिज्म, उसने खुद को बुद्धिस्ट धर्म अपनाया और लोगों को भी बोला कि बुद्धिस्ट धर्म अपनाए। और जो पहले बलि चढ़ाते थे लोग एनिमल्स को, उसने वो बंद करवाया और शिकार करना वो भी बंद करवाया। हॉस्टल्स, कुएं, रोड्स और जगह जगह पर जहां पर ट्रेवलर्स चलते थे उनके लिए पानी का, पानी की व्यवस्था की। उसने काफी कुछ ऑर्डर्स निकाले जो कि ऑर्डर्स अगर आप भी देखोगे आज भी कलिंगा है वहां पे स्तूप मीन्स पिलर्स पे वो ऑर्डर्स लिखे हैं। सम अर्ज पीपल टू ऑनर देयर पेरेंट्स, उसने कहा कि अपने पेरेंट्स को इज्जत करो, टॉलरेंस रख लो, फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मीन्स एक दूसरे की जलन, एक दूसरे जलो मत। His advice was carved on stone pillars. Pillars पर उसकी advice, उसके orders खुदे हुए। ये photographs हैं अशोका स्तूप का। अशोका ने ये कहा कि हिंदू जो है उनके प्रति ऑनर्स रखो, क्योंकि वो बुद्धिस्ट की ओर जा रहा था, लेकिन तब भी उसने कहा हिंदू धर्म के लोगों को इज्जत से रखना है। और उसके जमाने में बुद्धिज्म के कुछ चीजें हिंदुज्म में आ गए,
और उसने अपने मिशनरीज अपने एडी अपने जो उसके सलाहकार वो दूर दूर तक भेजे. When he died, India was unified as ever. जब उसकी डेथ हुई तब पूरा हिंदुस्तान एक बन गया था. Even though the Mauryan Empire began to decline, अशोका के बाद मौर्य एम्पायर थोड़ा सा नीचे खिसकने लगा.